हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद अनदर होली स्पेशल ड्रिंक्स रेसिपी जिसका नाम है ठंडाई। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर होल मिल्क, 1/4 कप काजू, 25 से 30 पिस्ता के पीसेस, 25 से 30 बादाम, आधा छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच रोज़ वाटर यानी गुलाब जल और कुछ धागे केसर के, 2 बड़े चम्मच चीनी या अपने स्वाद के अनुसार लें। सबसे पहले हम सारे नट्स को 2 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। 2 घंटे बाद सबका पानी निकाल दें और बादाम का छिलका निकाल कर अलग कर लें। अब एक ब्लेंडर जार में सारे नट्स को डालें। हम इसी के साथ ही बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड करेंगे, जैसे कि दालचीनी और काली मिर्च, हरी इलायची का पाउडर, गुलाब जल और 1/4 कप दूध डालकर इसका हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। इन सब का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम दूध को बॉईल करने के लिए गैस पर रखते हैं। बीच बीच में इसको स्टर करें ताकि ये पैन को चिपके ना। जैसे ही दूध उबलना शुरू हो जाए, गैस का फ्लेम आप लो पर कर दें और इसमें चीनी और केसर मिलाएं। अब चम्मच से इसको चलाते हुए 2 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पर पकाएं। ऐसा करने से चीनी और केसर दोनों दूध में अच्छे से घुल जाएंगे। इसके बाद तैयार किया हुआ पेस्ट दूध में डालें और फिर से इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पर पकाएं। बीच बीच में स्टर करना ना भूलें। तीन मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और दूध को एक बड़े बोल में निकाल लें ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए, और बाद में 2 घंटों के लिए इसे फ्रिज में रख दें। अब फ्रिज से निकालकर इसे हम एक छोटे जग या जार में डाल लेते हैं ताकि गिलासेस में डालने के लिए आसानी हो जाए। अब सर्विंग गिलास लें, उसमें डालें तैयार की हुई ठंडाई और गार्निश करने के लिए ऊपर से कटे हुए पिस्ता के टुकड़े और केसर के धागे डालकर इसको इस तरह गार्निश करें। तो ये तैयार हो गई है हमारी ठंडाई। किसी भी कोल्ड ड्रिंक या जूस से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय। समर स्पेशल वाटरमेलन कूलर यानी तरबूज का शरबत। शुरुआत करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। वाटरमेलन कूलर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप तरबूज के टुकड़े। इसको मैंने डीसीड कर लिया है यानी बीज पहले से निकाल लिया है। और हमें चाहिए 1 नींबू, 1 टीस्पून रोज एसेंस, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक और 2 टीस्पून चीनी और कुछ बर्फ के टुकड़े। एक ब्लेंडर जार में ये सारी चीजें डाल दें एक साथ। सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम इस जार को अच्छे से बंद करके इसको अब ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और ये शरबत हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन सर्व करने से पहले इसको आप छान लें एक छन्नी की हेल्प से।
ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया। बाद में इसे सर्विंग ग्लासेस में ऐसे निकाल कर ऊपर से थोड़ी और आइस डालकर फिर सर्व करें। तो इस तपती हुई गर्मी में अपने आप को ठंडक का एहसास दीजिए इस कूल एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप। आज हम बनाएंगे आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कच्चे आम। इनको पहले हमें पकाना है। एक प्रेशर कुकर में 4 से 5 गिलास पानी डाल के इसको 3 से 4 विसल आने तक पका लें। पकने के बाद इनको प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब आम पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसका छिलका और गुठली निकाल के अलग कर दें, क्योंकि हमें इसका सिर्फ पल्प चाहिए। तो ये देखिए, ये आम का पल्प हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं आम पन्ना बनाने की तरफ। तो एक ब्लेंडर जार में हम ये जो तैयार किया हुआ पल्प है आम का, वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 कप पुदीना के पत्ते। 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। इसको बंद कर दें अच्छे से। तो अब हम इसको 15 से 20 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। ध्यान रखिए, 1/2 कप पानी मैंने पहले डाला था और 1/2 कप मैं अब डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने 2 कप पानी डाला है। अब इसको फिर से ब्लेंड कर लेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। तो ये हमारा आम का पन्ना तैयार हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। उतनी देर में हम अपने गिलास रेडी कर लेते हैं जिनमें हम इसे सर्व करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। उसको ऐसे एक प्लेट में स्प्रेड कर लें, फैला लें उसको अच्छे से। और हमें चाहिए होगा छोटा सा नींबू का टुकड़ा। इस नींबू के टुकड़े को हम रब करेंगे गिलास के एजेस पर इस तरह। अब हम इन एजेस पर नमक लगा देंगे ऐसे। अगर नमक ज़्यादा लग जाए तो उसको थोड़ा सा ऐसे छनका के निकाल दें। तो ये हमारा एक गिलास रेडी हो गया। इसी तरह से हम दूसरा गिलास रेडी कर लेंगे। अगर आपको ये स्टेप अच्छा लगे तो करें, लेकिन इस तरह सर्विंग के टाइम पे गिलास बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो ये हमारा आम पन्ना अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले आप इसको छान भी सकते हैं, और अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1 या 2 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं। अंत में हम इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े और डालकर और पुदीना के पत्तों के साथ इसको ऐसे डेकोरेट करके इसको सर्व कर देंगे। तो ये हेल्दी, कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग आम का पन्ना तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आप सबको बहुत पसंद आएगा।